जब मैं डांस क्लास जाया करती थी तो मैं जब जा रही हूँ बस में बस बहुत ज्यादा क्राउडेड होती थी एंड बस में मुझे ऐसा फील होता था कभी कभी कि ओ यू you नो know, कोई मुझे डिप्रेस देने की ट्राई कर रहा है कोई जानबूझ कैसे धक्का दे रहा है या कोई तुम्हारे ऊपर आने की कोशिश कर रहा है मेरी दादी टीचर थी उस टाइम पे टीचर थी जब बाहर की औरतें काम नहीं करती थी तो दादी ने शी मेड श्योर की मेरी पूरी फैमिली में सब एडुकेटेड हो मैं लापता लेडीज के शूट पे थी एक स्पेशल वेबिनार सा कंडक्ट किया गया था कि फीमेल्स के लिए सेफ्टी कितनी जरूरी है कोई किसी को हरास नहीं करेगा कोई किसी से बदतमीजी से बात नहीं मेरी फैमिली में कभी ये नहीं हुआ कि पापा ने बोला कि ओ ये बिजनेस तो मैं रन कर रहा हूँ जो वो बिजनेस चल रहा है वो मेरी मम्मा की वजह से मम्मा वहां पे अपना पूरा कॉन्ट्रीब्यूशन दे रही है एंड आई थिंक उसके बीच में मम्मी ने अपना मदरहुड भी बहुत सैक्रीफाइस किया हाई एंड यू प्रतिभा मी ऑन हॉडरफ्लाई

और तो जैसे ही मेरा शो आया था तो सब मुझे बोलने लगे थे ओ रांटा साहब की बेटी तो टीवी पे आ रही है उसका शो वा, हो गया एंड लोग बिलीव भी नहीं कर कर पा रहे थे क्योंकि बहुत रेयर होता है कि कोई हिमाचल शिमला से आता है और इस इंडस्ट्री में आएगा एंड सिक्स मंथ्स ही हुए थे मुझे अपना बेस शिफ्ट किए एंड उसी वक्त उसी सिक्स मंथ्स में काफ़ी ग्रोथ हो गई थी तो लोगों को यकीन भी नहीं हो रहा था तो वो काफी काफी बड़ी चीज बन गई थी मेरी फैमिली के लिए बट uh, कितनी बड़ी लड़ाई थी आपके लिए जनरली घर पे मैं कैसी फैमिली से आती हूँ ना जहाँ पे मेरी फैमिली में फीमेल्स और मेल्स दोनों को इक्वल इंपोर्टेंस मिलती है सच्ची हाँ क्योंकि मेरी दादी टीचर थी उस टाइम पे टीचर थी जब बाहर की औरतें काम नहीं करती थी घर की हाँ, और थिएटर पे भी करता था ना थिएटर दादी प्ले सिखाया करती थी सिखाया स्कूल में। करती थी दादी हिंदी ही पढ़ाती थी हाँ। तो अगर स्कूल में एनुअल फंक्शन है और उन्हें एक वो हिंदी टीचर का हाँ दिया तो कोई प्ले करना है तो फिर हिंदी टीचर ही करेगी तो दादी वो करती थी एंड दादी को डांस का भी बहुत शौक था और दादी टूर्नामेंट्स के लिए बाहर भी जाया करती थी बट दादी का बाहर जाना एक अलग बात थी एंड uh, उस वक्त लोगों का वो एक्सेप्ट करना ना समझ नहीं आता था क्योंकि दादी के टाइम पे कहाँ सोशल मीडिया था वहाँ पे हाँ। कुछ ऐसा सोर्स तो नहीं था लोगों को पता ही नहीं होता था कि पता कोई को ही या एग्जैक्ट yeah, exactly. तो वो उनके लिए भी थोड़ा मुश्किल हुआ फिर उन्होंने जब वो टीचर टीचर थे तो शी मेड श्योर की एक एजुकेशन एक ऐसी चीज़ है जो एक फीमेल को उसकी राइट्स देती है तो दादी ने शी मेड श्योर कि मेरी पूरी फैमिली में सब एडुकेटेड हो तो फिर दादी का हमेशा से यही था कि तुम पढ़ो एडुकेशन लो घर में कितना रही होती थी क्योंकि मेरी दादी तो टीचर थी तो दादू और दादी के बीच में जब उन्होंने हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी टेक ओवर की ना तो उनके बीच में ना ये एक ऐसे रूल सा बन गया था

करते हैं उन वो कितने बजे आए हैं उनका इन टाइम क्या है और उनको उनकी सैलरीज चले गई हैं वो सब मम्मा हैंडल करते हैं आ, और आ, आ, पापा एचआर और एडमिन एंड फाइनेंस या या तो सेम वेरी बिग थिंग्स तो मम्मा सब हैंडल कर रही हैं तो मेरी फैमिली में कभी ये नहीं हुआ कि पापा ने बोला कि ओ ये बिजनेस तो मैं रन कर रहा हूं इनफैक्ट मेरी दादी कितनी रिस्पेक्ट देती है मेरी मम्मा को कि अगर जो वो बिज़नेस चल रहा है वो मेरी मम्मा की वजह से मम्मा वहाँ पे अपना पूरा कंट्रीब्यूशन दे रही है एंड आई थिंक उसके बीच में मम्मी ने अपना मदरहुड भी बहुत सेक्रीफाइस किया है क्योंकि मम्मी को ये भी पता था कि मुझे अपने हस्बैंड के साथ भी काम करना है पर दिन बच्चे अपने बच्चे के साथ रहने का किसका मन नहीं करता सबका मन करता है पर दिन मम्मी को ये भी कंसर्न था कि यार उनकी एजुकेशन भी इंपॉर्टेंट है आई थिंक मेरी मम्मा ने बहुत बड़ा सैक्रफाइस किया है इस

एंड क्योंकि मैं ऑल गर्ल्स स्कूल से थी मेरी कोई फ्रेंड पीरियड्स पे है कल कोई है और हम एक दूसरे से पूछ रहे हैं ओ एक्स्ट्रा सैलरी पैड है दे दे आई डोंट हैव बहुत नॉर्मल था बट एक्चुअली जब मैं uh, मेरा पहले जो बॉयफ्रेंड था जब मैं स्कूल में थी तो वो ऑल बॉयज स्कूल से था एंड इट वॉज फॉर द फर्स्ट टाइम शायद उसकी लाइफ में भी कोई फीमेल फ्रेंड थी और मेरी लाइफ में भी कोई मेल फ्रेंड था तो मैं अपनी डांस क्लास से घर जा रही हूँ और एंड आई वॉज चमिंग दैट डे तो मैं अपने अपने बॉयफ्रेंड को बोलती हूँ दैट तो यार लिसन मैं ना आज पीरियड्स पे हूँ आई एम नॉट एबल टू वॉक तो पहले वो

ऑफ टीजिंग जो अगर हो तो? वैसे एव दीजिंग, एव दीजिंग ही है तो जब मैं डांस क्लास जाया करती थी तो शिमला में ना ट्रैवल करना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है क्योंकि कैब्स उतनी फ्रीक्वेंटली नहीं चलती है वहाँ और मैं स्कूल में भी थी ना तो मुझे पैसे भी दस रुपये मिलते थे कि जाओ अपना किराया खत्म करो मतलब ये नहीं था कि मैं सौ रुपये की कैब बुक करूँ और फिर जाऊँ अपने लिए वो भी डांस क्लास जहाँ पर मेरे घर वाले मना कर रहे हैं तो वो तो मैं अपनी पॉकेट मनी से सेव कर कर करके जाया करती थी तो मैं जब जा रही हूँ बस में बस बहुत ज़्यादा क्राउडेड होती थी एंड बस में मुझे ऐसा फील होता था कभी कभी कि ओ यू you नो know, कोई मुझे डिप्रेस देने की ट्राई कर रहा है बट वो इतनी क्राउडेड भी होती थी बट कभी कभी मुझे पता चलता था कि नहीं ये क्राउड है एंड मे बी उस आदमी का ऐसा इंटेंशन नहीं है वो आंखों में दिख जाता है क्योंकि अगर उस लड़के को भी समझ आ रहा है कि ओ शुड आई थिंक अभी हम बहुत ज़्यादा क्लोज प्रॉक्सिमिटी में तो उसकी आंखें नीचे ही है, वो उसे मुझे देख भी नहीं रहा है क्योंकि मैंने नोटिस किया ना लाइक ब्रो फिर मैं देख रही हूँ मुझसे आंखें भी नहीं मिला रहा है ही इज़ लाइक कि यार यहाँ पे स्पेस ही ऐसी है मैं कुछ कर नहीं पा रहा हूँ जहाँ से मैं आती हूँ मेरी फ्रेंड्स ने मुझे हमेशा यही बोला है कि यू नो वॉइस इट आउट अगर तुम्हें लग रहा है गलत है इफ़ यू नो द डिफरेंस बिटवीन बैड टच एंड गुड टच टेल हिम कि ये गलत है और मैंने ऐसा किया भी है अगर मैं बस में वापस ट्रैवल कर रही हूँ मेरे मेरे अंदर थोड़ा कॉन्फिडेंस आया कि हाँ आज तो मैं बोलूँगी क्योंकि मैं रोज़ ही बस में ट्रैवल करी तो कुछ ना कुछ हो ही है कोई जानबूझ कैसे धक्का दे रहा है या कोई तुम्हारे ऊपर आने की कोशिश कर रहा है ये सब कुछ तो हो ही रहा था तो मैं बोल देती थी कि लिसन यू यू नो वॉट बैक ऑफ तो मुझे लगता था कि ओ oh गॉड अब इसके बाद तो बहुत रिएक्ट करेगा बट वो इंसान वहीं रुक गया आई वॉज वेरी नाइस एंड मतलब मुझे वो चीज़ इतनी अच्छा महसूस हुआ कि जब मैंने उसे बोला लिसन यू नो वॉट बैक ऑफ और मैंने बहुत बहुत स्टर्नली बोला था तो वो समझ गया एंड उसके बाद वो बहुत साइलेंट हो गया था ही वॉज लाइक ओके ठीक है आई आई नो मैंने गलत किया But, no. uh, है बट जनरली कितने कल्चर शॉक्स एक्सपीरियंस किए मुंबई आई जब uh, जब मैं मुंबई आई पार्टीज का एक बहुत बड़ा कल्चरल शॉक था शिमला में उतने क्लब्स एंड पब्स नहीं हैं यहाँ पे 12 बजे के बाद सब लोग पार्टी करने जा रहे हैं शिमला में ऐसा कुछ नहीं था शिमला में 7 बजे तुम्हें घर पे होना ही होता था नो मैटर वॉट हैपन्स हाँ तुम स्लीप ओवर पे जा रहे हो तब तुम्हारे पास पूरी रात है अपनी फीमेल फ्रेंड्स के साथ स्पेंड करने के लिए बट उसके लिए भी परमिशन लेना इतना मुश्किल होता है कि मुझे प्लीज भेज दो स्लीप ओवर है बट वेरा मैंने ये बात रियलाइज की मुंबई में काफी आसान था है ना हाँ आई थिंक मुझे सबसे ज्यादा फ्रीडम मुंबई में आके ना तब फील हुई जब मैं फाइनेंशियली थोड़ी स्टेबल हो गई थी क्योंकि तब मेरी ना फैमिली का ना एक कंसर्न कम हो गया था क्योंकि इनिशियली तो उनको लगता था कि शील बी एबल टू सर्वाइव और नॉट बट दैन उसके बाद उन्हें रियलाइज होना चालू हुआ कि ओ शी इज़ केपेबल ऑफ मेकिंग आवर ओन डिसीजनस एंड उसके बाद ना मुझे एक फ्रीडम फील होना चालू हुई बट आई थिंक मैंने कभी अपनी फ्रीडम को उस वे में यूज़ नहीं किया था कि यू नो आई एम लाइक गोइंग आउट एंड पार्टिंग डे एंड नाइट बिकॉज आई नो कि मैं मुंबई में काम करने आई हूँ लाइक यू नो आई लाइक लेफ्ट माई होम टाउन जो इतना सुंदर है जो इतना कम्फर्टेबल है मैं वहाँ से यहाँ पर आई हूँ बिकॉज आई वॉन्ट टू वर्क एंड लाइक यू नो आई फोकस So I think right now I'm very focused minded. जो लापता लेडीज में आपका किरदार है जया वो भी कई सारी स्टीरियोटाइप ब्रेक कर रही होती है yeah. तो वो, वो पूरी जर्नी के बारे में मेरे को बताओ वो कैसा था जिस तरह से किरण मैम ने लापता लेडीज में जया की कहानी लिखी है फूल की कहानी लिखी है बहुत ही रिलेटिबल है लाइक like, जो फूल है वो मैं अपनी मम्मा में देखती हूँ लाइक like, मेरी मम्मा की जितने भी एस्पेक्ट्स है जिस तरह से उन्होंने मेरे पापा का हाथ बटाया है और उन्होंने हैप्पीली ये डिसाइड किया कि हाँ मुझे पापा के साथ रहना है एंड साइमटेनियसली आगे काम भी करना है इट्स वेरी कंफर्टेबल टू टॉक टू ऑल्सो आई थिंक जो एक्सपीरियंसेस से मैं आ रही थी एक सीन था लापता लेडीज़ में जब मैं और किरण मैम बैठ के डिस्कस कर रहे थे कि मेरे लाइफ के एक्सपीरियंसिस क्या हैं एंड जया के लाइफ के एक्सपीरियंसेस क्या हैं और हम उन्हें मर्ज कर रहे थे एंड मैम मुझे समझाने की कोशिश कर रही थी दैट यू नो

एंड हर लड़की ना जिस तरह से अपने आप को कैरी करती है ना एक बहुत ही डिफरेंट बात होती है एंड जो मैंने हीरा मंडी के सेट पे देखा जिस तरह से मनीषा मैम अपने आप को कैरी करते थे उनका उनका प्रोसेस होता था एंड जिस तरह से संजय सर अपना क्राफ्ट एग्जीक्यूट करते थे लाइक दैट्स ब्रिलियंट हम सेट पे जाते थे एंड वो सेट पे एकदम से बोलते थे ओके यू नो वी कैन चेंज दिस वी कैन चेंज दिस मैं कुछ इमेजिन करती थी मैं अपने नज़रिए से इमेजिन करती थी बद वो सेट पे जाके वो क्या ब्यूटीफुल मैजिक बनता था तो आपको टीवी वाला काम काम आ रहा था वहां पर टीवी में बहुत रैपिड चेंजेस होते थे ना कि चेंज करना है लाइक like, uh, बस वो चेंज का एलिमेंट मैं इम्प्लीमेंट कर पा रही थी बाकी क्रिएटिविटी में तो ऑफकोर्स बहुत काफ़ी डिफरेंस आता है बट हाँ वो वो हैबिट थी कि ओके ऑन द स्पॉट कुछ चेंज करने को बोल दिया तो हो जाएगा ऐसा गर्म स्क्रिप्ट हाँ, गर। हाँ हाँ ऐसा नहीं है कि नहीं 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 हो पाएगा मेरे को तो लर्न करने के लिए टाइम लगेगा ऐसा बट हमारी इंडस्ट्री uh, लड़कियों को और यंग लोगों को तर्क रखने का स्पेस देती है क्या आज के जमाने में क्या आपको कुछ बोलना था और आप रख पा रही थी वो बात सीनियर एक्टर्स या डायरेक्टर्स या प्रोड्यूसर्स के पास आई थिंक इट कम्स विद टाइम पर ऐसा नहीं कि नहीं आता है ऑफकोर्स आता है आप को अपनी बात रखने का मौका मिलता है इनफैक्ट जब मैं लापता लेडीज के शूट पे थी तो आई uh, रिमेंबर कि एक स्पेशल वेबिनार सा कंडक्ट किया गया था जहाँ पे उन्होंने ये बताया था कि फीमेल्स के लिए सेफ्टी कितनी जरूरी है कोई किसी को हरास नहीं करेगा कोई किसी से बदतमीजी से ये बात बदतमी हुआ था हाँ लापता लेडीज सा, आमिर सर ने यह किया था हमारे साथ मतलब पूरा एक वेबिनार कंडक्ट किया था एंड मुझे ये बात बहुत अच्छी लगी थी क्योंकि उससे पहले मैंने ये कभी ऐसे होते हुए देखा नहीं था यार मैं आज से पहले सुना नहीं हूँ ऐसी चीज होते हुए पॉश पॉलिसीज कहाँ पता लगती थी भाई बॉलीवुड में पॉश का समझ भी है कि नहीं मुझे नहीं पता था आज तक यार 呃。Uh

नॉर्मली जा रही हूँ एंड वहाँ पे लोग मेरे पास आ रहे हैं एंड एंड लाइक ओ यू यू नो जया फ्रॉम लापता लेडीज राइट मैं मुझे वो मोमेंट इतना अच्छा फील हो रहा था ना कि मैं सिंपली ड्रेस्ड ड्रेस मतलब मैंने कुछ एफर्ट भी नहीं लिया है फिर भी लोग तुम्हें आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं एंड वो आकर तुम्हारे काम की बात कर रहे हैं तो मुझे बहुत ही अच्छा फील हो रहा था एंड मैं तो उस वक्त सिर्फ हाँ थैंक यू सो मच ऐसे बात नहीं करती हूँ मैं उनसे दो तीन क्वेश्चन पूछ रही हूँ थैंक यू सो मच आप कैसे मैं मैं उनसे ये सब पूछ रही हूँ मेरे लिए आई थिंक ये बहुत बड़ी बात है अगर कोई आपके पास आके स्पेशल टाइम निकाल रहा है और आपको यू नो अप्रिशिएट कर रहा है आई थिंक अ वेरी ब्यूटीफुल जेस्टर यार जनरली आप जब यहाँ आई और फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट और अपने पैर पर खड़ी हुई एक तरीके से hmm. तो वो ट्रांजेशन क्या था कितना मनी कॉन्शियस हुआ करती थी कितना फाइनेंशियल लिटरेसी इंपॉर्टेंट है एक्चुअली जब मैंने अर्न करना चालू किया था ना तो मेरा एक दोस्त था और उसने मुझे बहुत अच्छी एडवाइस दी थी कि सेव राइट नाउ अभी वही होता है कि तुम नया नया पैसा कमाना चालू करोगे ना तो तुम यहाँ उड़ाओगे वो उड़ा करोगे ये करोगे बट यू शुड नो दैट तुम यहाँ किस लिए हो कभी ऐसा भी फेज आता है कि तुम शायद काम नहीं कर रहे हो एज एन एक्टर एंड तब तुम्हें अपने बिल्स पे करने होते हैं एंड तू इतने राइट करेक्ट एज पे अर्न करना तुमने स्टार्ट कर दिया है अगर तू अभी से ये हैबिट बनाएगी ना तो तू आगे चल के काफी सेफ फील करेगी इन टर्म्स ऑफ फाइनेंशियल एस्पेक्ट तो मैंने सेव करना चालू कर दिया था एंड मुझे लगा था कि मैं टीवी कर रही हूँ और करूंगी एंड कैसे कैसे मैंने कुछ ऐसा प्लान नहीं किया था कि क्या होगा एंड टीवी के बाद लापता लेडीज हो गई एंड लापता लेडीज मुझे रियलाइज हुआ था ओ तो, इतना तो पैसा भी आता है पैसा अलग आता है बट देख उसके बाद मुझे ये रियलाइज हुआ कि ओ, अब मैं काम को लेकर फिर बहुत ज्यादा पर्टिकुलर हो गई थी कि मुझे कैसा काम करना है क्योंकि मुझे एक बहुत अच्छा एक्सपीरियंस मिल गया था मैंने फिर समझना चालू किया तो एक वो ब्रेक आया था जब मैं काम नहीं कर रही थी तब वो मेरी वो जो मेरे फ्रेंड ने मुझे गाइड किया था ना तो मेरे को बड़ा अच्छा लगा जिस तरह से मुझे उस वक्त वो चीज समझा दी गई थी बहुत सही बहुत जरूरी है एंड फिर मैं बहुत ही चिल थी कि ओब्रो कहां का इन्वेस्ट करती हो क्या है एंड दिस इज नॉट इन्वेस्टमेंट एडवाइस जनरल मैंने एफडीज बनाई थी मैंने अपने जितना भी मैं अर्न करती थी मैंने रीअकरिंग डिपॉजिट्स बनाए थे तो मैं एक पर्टिकुलर अमाउंट हर महीने जो भी कर रही थी मैं अपने रियाफरिंग डिपॉजिट्स में ट्रांसफर कर रही थी बिकॉज आई थिंक उसमें बहुत ज्यादा नॉलेज स्टॉक्स एंड ऑल के लिए तो मैं बहुत ज्यादा टाइम इन्वेस्ट करना होता है वो इतना टाइम था नहीं मेरे पास इन्वेस्ट करने के लिए तो मैंने थोड़ा सेफ ऑप्शन पिक किया था यार फेमिनिज्म uh, आपके लिए क्या है जो मैंने घर में देखा है आई थिंक मेरे लिए वही फेमिनिज्म रहा है एंड मैंने घर पर यही देखा है कि फीमेल्स भी इक्वली कॉन्ट्रीब्यूट कर रही है हर डिसीजन मेकिंग में किसी के कामों में घर के कामों में हाँ मेरे इनफैक्ट दादू सुबह ब्रेकफास्ट बनाते थे और दादी शाम गुल को डिनर बनाती थी मेरी फैमिली में बहुत है सीन उस वे में तो आई थिंक मेरे लिए फेमिनिज्म का ट्रू मीनिंग वही है लाइक like, तुम कैसे साथ में आके भी को इक्वली शेयर कर पा रहे हो लाइक like, वो भी एक एस्पेक्ट है रेड अकॉर्डिंग टू यू आई थिंक मेरे सबसे बड़ा रेड फ्लैग पता है क्या है जब कोई प्रटेंट करने की कोशिश करता है जो वो नहीं है बिकॉज मैंने ये रियलाइज किया है जिस रिलेशनशिप में मैं थी जहाँ पे इंसान वॉज हिमसेल्फ लिए वो रिलेशनशिप बहुत इजी था बिकॉज कम्युनिकेट करना बहुत आसान हो जाता है अपने आप के अपनी इमोशन शेयर करना बहुत आसान हो जाता है लेकिन जब कोई प्रिटेंड कर रहा होता है ना आपके सामने तो आई डोंट नो वो किस माइंड फ्रेम में होते हैं आई थिंक दैट इज अग टर्न ऑफ फॉर मी इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू बी